यू आर लुकिंग गुड. तो आई वॉज लाइक अरे यार थैंक यू. एमबीबीएस के अंदर बहुत बुरा हाल होता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. इंजीनियरिंग वालों को क्या होता है कि साल भर मतलब किताब कहाँ है उनको मालूम ही नहीं. जो है वो उतना ज्यादा ना टफ नहीं था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था अगर हम लोग अब फील करें तो. लेकिन हाइप तो ऐसे ही होता है ना कि नीट पता नहीं क्या है, तो ऐसे ही एमबीबीएस जो है वो भी हाइप है. तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतर्व अग्रवाल, आई एम करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गेम्स भोपाल. तो आज अपने साथ है रक्षिता सिंह, जिनको मैं रक्षिता दी बुलाता हूँ. आप इनको जानते होंगे, ये करंटली एक एमबीबीएस स्टूडेंट सेकंड ईयर में ही है. 2019 बैच से मेरे से एक साल सीनियर है और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे 219 के सब्सक्राइबर्स है. अनअकैडमी पे एजुकेटर है, कई सारी चीजें हैं. तो आज इनके बारे में अपन बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे एमबीबीएस इन्होंने एंजॉय किया, क्या क्या चीजें की, क्या क्या चीजें सीखी. नीट के बारे में जो आपके डाउट्स होते हैं जो अपने पूछे इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, वो सब डाउट्स अपन लेंगे. प्लस अपन जो भी एमबीबीएस के चिल लाइफ भी होते हैं डिस्कस करेंगे. प्लस थोड़ा सीरियस कंटेंट जो अगर नीट वाला वो भी अपन लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले होंगे. तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं. हेलो दी, थैंक यू सो मच अथर फॉर इनवाइटिंग मी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार, जूनियर्स भी आके बोल रहे हैं सेकंड ईयर और हम भी अभी तक बोल रहे हैं सेकंड ईयर. हमारा तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपको तो खत्म करना है. बट स्टिल मतलब थोड़ा ऐसे होता है ना कि यार लाइक यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यू लाइक आई एम अ सेकंड प्रोफेशनल मेडिकल स्टूडेंट. आई एम आल्सो लाइक आई एम अ सेकंड प्रोफेशनल मेडिकल स्टूडेंट. तो ठीक है, लेकिन आपका तो अब थोड़े मंथ बाद थर्ड प्रोफेशनल पढ़ना स्टार्ट कर दोगे. हां स्टिल मतलब यू कैन फील. तो आपका अभी क्या एक्सपीरियंस रहा है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर आपने खत्म कर लिया, दो साल आपको लगभग कुछ भी कॉलेज के अंदर ढाई साल हो चुके हैं. तो ढाई साल में क्या क्या चीजें देखी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों. सबसे पहली बात तो जो नीट का एक्सपीरियंस होता है वो सबसे एकदम मतलब जो हम सोच के आते हैं कि यही होगा वो होगा, उससे जस्ट ऑपोजिट चीजें हम लोग की होती हैं. सारी चीजें बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं. एक चीज हम लोग के दिमाग में ना बहुत ज्यादा रहता है जब हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या वो कर देते हैं एमबीबीएस के अंदर बहुत बुरा हाल होता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. अदर व्यू बेटर नो कि दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. पढ़ने के लिए इतना है कि पढ़ना कभी खत्म नहीं होगा, कोई कितना ही पढ़े तो खत्म होने वाली चीज है ही नहीं. एंड नहीं करना है तो आप वो दो महीने पहले भी पढ़ के भी पास हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो इट्स नॉट लाइक कि ऐसा कुछ होगा बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, बट या आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी. सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखी है यहाँ पे आके, ये थोड़ा 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 रोज पढ़ते रहो. इंजीनियरिंग वालों को क्या होता है कि साल भर मतलब किताब कहाँ है उनको मालूम ही नहीं है, लेकिन अपने को बस किताब पता करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास किताबें भी हैं, डेली करना पड़ेगा. और दूसरा मतलब हर चीज का ना हाइप होता है. अब नीट जो है वो उतना ज्यादा ना टफ नहीं था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था अगर हम लोग अब फील करें तो. लेकिन हाइप तो ऐसे ही होता है ना कि नीट पता नहीं क्या है, तो ऐसे ही एमबीबीएस जो है वो भी हाइप है. स्टार्टिंग में ज्वाइन करा था हम लोगों ने तो उस टाइम पे, तो हम लोग के तो टाइम पे फाउंडेशन कोर्स हुआ था, तुम लोग का कोरोना की वजह से लेट हो गया था. फाउंडेशन कोर्स हुआ था, अच्छा हम लोग का एक महीने का हुआ था. एंड दैट वाज द बेस्ट एवर टाइम एमबीबीएस का, पूरे टाइम का. आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद ऐसा कोई टाइम मिला है हमको. लिटरली मुझे एक महीने तक ये नहीं पता था कि फर्स्ट ईयर में टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं, सिलेबस कौन कौन सा, क्या क्या चैप्टर्स, मतलब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. अपन मतलब फुल टेंशन मोड में, क्या कॉलेज के बच्चे हो गए अब तो, हम अब हमें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा. सो फाउंडेशन कोर्स ठीक था, मतलब काफी एंजॉय हमने किया. एंड लाइक हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, फाउंडेशन कोर्स का अलग से अटेंडेंस गया था हमारा एंड बाकी अटेंडेंस अलग जाना था. तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 75% जिस दिन होगा उससे एक एक्स्ट्रा दिन हमने जाना ही नहीं है कॉलेज में. तो हम लोग का हो गया था कंप्लीट एक हफ्ता, हम लोग सब कॉलेज से गायब. कहाँ है बच्चे? और मतलब ऐसे हो ना कि बच्चे कहीं घूमने चले गए, नहीं हॉस्टल रूम में सारे बच्चे सब हॉस्टल. ये तो हमारे यही सीन चलता है, मतलब 75 जिसका टच हो चुका है उसको परवाह नहीं है जिंदगी, मतलब एक बार हो गया वो तो यू आर एलिजिबल टू यू क्रॉस, उसके बाद दिक्कत भी ना. 75 कर देते हैं, दोस्त होते हैं अपने, फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ ना क्या कर देते, जुगाड़ तो हो जाता है 75 का. जुगाड़ तो हो जाता है, मतलब मैं मुझे बताना नहीं चाहिए बट स्टिल लाइक मैं बीमार हो गई थी, मैं घर चली गई. एंड बायोकेमिस्ट्री में मैं आई और मेरी अटेंडेंस महीने की लगी हुई है 100%. मैं पूरा महीना घर हूँ और मेरी अटेंडेंस वहां पे चमका रखी है 100%. मैंने किसी को आज तक नहीं बोला कि मेरे अटेंडेंस लगा देना, ये लगा देना. अब भाई लोग बच्चे लोग अपने आप ही लगा के बैठे हुए, मैं देख रही हूँ 100%. यार मुझे लीव सबमिट करनी है यार, तुम लोगों ने यहाँ पे 100% अटेंडेंस लगा दी. एनाटॉमी वाले कहेंगे कि यहाँ पे तो अटेंडेंस नहीं लगी हुई है, फिजिक्स वाले कहेंगे यहाँ नहीं लगी हुई. बायोकेमिस्ट्री में 100% अटेंडेंस लगी हुई है लड़की बस. बायोकेमिस्ट्री हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा बायोकेमिस्ट्री का चिल था कि यार हमारा भी बहुत चिल था.
लेकिन उन्होंने सप्ली लगा दी बहुत सारे लोगों की. अच्छा नहीं हमारे तो नहीं, हम लोग के तो नहीं लगाए. बायोकेमिस्ट्री वाले मतलब बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स वाले ऐसे होते हैं थोड़े सब्सटेंशियल होते हैं, जो जो होता है एनएट का ही चमकता रहता है फर्स्ट ईयर में. एनएट निकाल लोगे तो फिर बाकी दो सब्जेक्ट का तो कोई दिक्कत आता भी नहीं. लेकिन अटेंडेंस का तो सीन होता है, स्टार्टिंग डर लगता है, लेकिन जैसे एक बार आदत लग गई ना फिर समझ आता है कि हाँ अगर क्लास में 60 बच्चे भी है अटेंडेंस पूरी की लग जाएगी. अरे हमारे साथ एक बार क्या हुआ मैं बताती हूँ. हमारा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट लाइक ऑलवेज चिल. Total something like 79 something students were present in the class and attendance total calculate kiya sir ne, attendance laga hua tha 189 ka. Ticket logon ne 200 proxies lagayi hai. Are do matlab 70 sir matlab do se zyada lagayi hai kisi ne to. Sir was like itne bacche dikh to nahi rahe hain class mein. To we were like ha sir nahi dikhenge. And hum hi wo log jo do do teen teen laga ke baithe hum keh rahe sir ye log proxy lagate rehte hain sir ye piche bench wale sir inhone lagayi hai hum khud laga ke baithe hue. To sir was like main dobara attendance lunga. Sir ne dobara attendance liya fir bhi I guess humne 149 students to attendance lagwa hi diya tha. Sir was like yahan to 89 hai yahan 149 hai kaise ho raha hai ye. ये बैलेंस कैसे खराब हो रहा है. मैंने कहा सर पता नहीं सर मेरे बच्चे सर ऐसे ही है सर. चलो कोई बात नहीं तो सर चले गए बस हो गया. और इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा था डीएच में फर्स्ट डे सेकंड डे मतलब एक हफ्ता मतलब थोड़ा सा हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे ऑलरेडी कि ठीक है जाना है और पूरा फाउंडेशन कोर्स में भी रेडी कि हाँ ऐसा कुछ होगा ऐसा कुछ होगा ऐसा कुछ होगा. तो हम लोगों की मतलब मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि स्मेल का कोई प्रॉब्लम या फिर डर लगेगा मुझे तो कुछ नहीं लगा. मैं वैसे भी नहीं डरती मतलब आई एम नॉट दैट छिपकली कॉकरोच से डरने वाला इंसान तो आई एम लाइक फाइन विद एवरीथिंग. बट कुछ लड़के मतलब ऐसे ऐसे हाथ रख रखा था हम लोगों ने तो सर वाज लाइक अच्छा स्मेल आ रही है तुमको फटा भी साथ को अब तो तुम लोग तो बच गए बेटा तुम लोग तो ऑल द टाइम मास्क में रहे हो तुम लोग का तो कुछ फर्स्ट डे से ही हमारा मास्क था लास्ट तक मास्क है. और एक एमबीबीएस की एक अच्छी चीज है ना कि एनाटॉमी जो पढ़ते हैं वो सेकंड ईयर में काम आती है. मतलब जो भी चीजें पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सेम एफएमटी में या कहीं ना कहीं तो काम आएगा. तो इनफैक्ट जो तुम 12th में फिजियोलॉजी पढ़ते हो वो तो काम 11th मतलब मैंने पूरा बायोकेमिस्ट्री पास हुआ हूं बस 12th के इससे. एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी मतलब वो जेनेटिक्स वाला पोर्शन वाज लाइक पूरा मैंने लिटरली पूरे एवर में ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोजेनेसिस जो भी साइकल्स अपने 12th में थे उन्हीं को बस लिख के आए हो अलग-अलग फॉर्म्स में. मतलब वही पूछते हैं इन शॉर्ट मतलब हम क्या लिख के आते हैं बस वो हमको ही समझ में आता है. प्रोफेसर हाँ. को मुझे नहीं लगता कुछ समझ आता होगा पेपर हाँ. में हम क्या लिख के आए हैं बस हमें आ रहा है. फिर मेरे को मतलब इतना खुशी है कि यार 12th में अच्छे से पढ़े तो बायोकेमिस्ट्री निकल गया मेरा पूरा बायोकेमिस्ट्री मेरा पूरा जेनेटिक्स 12वीं के दम पे निकला है. ऊपर से मैं पढ़ाती हूं तो मेरे को सब याद था. हां सब याद है एक गोइंग थ्रू द होल जेनेटिक्स वाला थिंग इन बायोकेमिस्ट्री आई लाइक यार ये तो मैं पढ़ाती हूं यार रोज ये सब आते हैं यार मुझे तो. हां तो वो बेनिफिट और फिजिक्स में भी बेनिफिट हुआ जो 11th 12th का सिलेबस था उससे बेनिफिट तो कहीं ना कहीं होता ही है. तो वो इंटर और मतलब बहुत लोग ये पूछते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का यूज होती है क्या. यार अभी तक देखो मतलब केमिस्ट्री का मुझे मतलब उतना केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत तो फील हुआ है लेकिन एज सच मुझे कुछ ज्यादा यूज फील नहीं हुआ मतलब कि कुछ कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं. हां किसी को नहीं भी आता तो भी चलेगा. हां केमिस्ट्री का कुछ फिजिक्स का तो मेरे को कई मतलब कई प्रॉपर्टीज लिख रखा है कोरा के ऊपर कि फिजिक्स आपको देखने मिलेगी एमबीबीएस में. मुझे जब तक देखने नहीं मिली फिजिक्स टाइप पर भी बस जो है बायोलॉजी है बस वो ग्राफ को देख के वो लोग फिजिक्स समझ लेते हैं आधे लोग. एक तो ग्राफ आ जाता है ये फिजिक्स होगी पक्का. और एक और चीज है कि बहुत मतलब आपने भी ड्रॉप लिया एक सर मैंने भी एक साल ड्रॉप लिया है और आप भी अच्छे कॉलेज में भी अच्छे कॉलेज में तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर हमने ड्रॉप लेते हैं एक साल दो साल तीन साल तो क्या कॉलेज में स्टिग्मा रहेगा कि यार मतलब ये बंदे ड्रॉप करके आए हैं बड़े हैं हमसे. नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं. आई डोंट थिंक सो कि मैंने आज तक किसी से किसी का एज पूछा या कितना ड्रॉप किया था या हमारे किसी प्रोफेसर ने पर्टिकुलरली पूछा तुम्हारे कितने नीट में मार्क्स हैं. मतलब मेरे कॉलेज में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे नीट में तो आज तक मुझे उसका तो किसी ने आज तक मुझे भाव नहीं दिया है कि नीट में इसके हाईएस्ट मार्क्स पे इसने एंट्री मारी. तो कोई 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 आज तक नहीं पूछा किसी ने इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कोई कुछ भी हो सब यहां पे मेडिकल कॉलेज में एवरीवन इज इक्वल इट्स जस्ट सीनियर
चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो या किसी भी तरह से आ रहे हो, अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया है उसके बाद जो आप पढ़ाई करोगे एमबीबीएस में वही आपका मैटर करेगा। None will ask. मतलब बहुत लोगों को लगता है कि 5 टाइम्स ड्रॉप हो चुका है, 4 टाइम्स ड्रॉप हो गया तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो उसका भी इशू नहीं आएगा। और एक और चीज है कि सब लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियली सब सर मैम बोलने में दिक्कत तो नहीं जाता। हम लोगों के तो बेसिकली दी और भैया ही बोलते हैं हम लोग तो हमारे कॉलेज में सबको। हाँ, बट इट्स लाइक सर मैम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पर्टिकुलरली अगर मैं अभी भी इंस्टाग्राम पे किसी भी कॉलेज के उस सीनियर से इंटरेक्शन करती हूँ तो आई ऑलवेज यूज दिस सर एंड मैम वाला थिंग। या बिकॉज़ इट्स फाइन, मतलब दे आर सीनियर्स, दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट। फील्ड में अगर मैं देखा जाए डॉक्टर्स वाले में थोड़ा सा हायरार्की तो होता है क्योंकि उनको हमसे बेटर नॉलेज है किसी भी एस्पेक्ट में, अगर देखा जाए इस फील्ड में तो वो तो बोलना ही पड़ेगा। मेरा तो नहीं है उतना जूनियर से इंटरेक्शन थोड़ा सा, मतलब मेरा मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, दी बोलो नाम से बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो, एवरीवन इज इक्वल फॉर मी। बट कुछ लोगों को अगर फील होता है तो वी शुड नॉट मतलब गो फॉर दैट कि नहीं हम नहीं करेंगे ऐसे कैसे सर मैम बोल दे, ठीक है लाइफ में जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसे ही हमको करना है, दैट्स इट। आपको मतलब कभी आप YouTube पे इतना कर रहे हो, Instagram पे इतना एक्टिव हो, तो इसके वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है कॉलेज में किसी चीज के वजह से? यार होता तो बहुत है यार, इनिशियली तो बहुत हुआ था लेकिन बाद में ठीक है धीरे-धीरे कम होता जाता, एक टाइम को आदत हो जाती है। आदत भी हो जाती है, दूसरा लोग आपको ठीक है कि ये करती है बस, अब उनको मतलब आदत हो गई है, उनको भी आदत हो गई है मुझे वो चीज करते हुए देखने की, तो इट्स लाइक फाइन। स्टार्टिंग में मतलब बहुत अलग अलग थोड़ा लग लगता है क्योंकि बाकी सब लोग अलग चीज पे फोकस होते हैं, हम लोग अलग एक दो बंदे अलग से चीज होकर थोड़ा सा माइंडसेट में डिफरेंस आता है, थोड़ा फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते बिकॉज जब मेरे पास एक दो घंटा है तो आई एम फोकसिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आउट ऑन आल्सो लाइक किसी भी पार्टीज में अगर उनके साथ भी चलेगा तो व्हाट माय फोकस विल बी, आई विल बी शूटिंग ऑफ द होल थिंग एंड दे विल बी लाइक यार हमको मत लियो इस वीडियो में, हम आ गए ना तो देख लियो। मालिक का फोन बनाया तो उसमें बनाने में दिक्कत आ गई, इतना एडिटिंग करना पड़ रहा है उसको क्योंकि सब फ्रेंड्स है। And some people are like, मेरे साथ फोटो भी होगा तो यार तू हमारे साथ फोटो मत खींच, तू इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगी वहाँ पे पता नहीं कितने लोग होते हैं, तो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है, कई बार ऐसे अपने आप में ऐसे लगने लग जाता है यार मैं कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ यार, ऐसे मत करो यार। लेकिन मतलब कॉलेज की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ ना कि प्रोफेसर्स कॉलेज की तरफ से, आई डोंट थिंक सो कि कॉलेज में किसी को पता है मतलब ऐसे प्रोफेसर्स एंड ऑल को, आई डोंट थिंक सो, पीयर्स को भी पता नहीं होगा मतलब जितना मुझे लगता है कि मेरे कॉलेज में बहुत लोग पता है, प्रोफेसर मेरे एनएट डिपार्टमेंट का पता था, जब मैं एनएट डिपार्टमेंट में जाता था तो मेरे जो एनएट में प्रोफेसर थे दे वर लाइक कि उनकी कोई बहन मतलब उनकी कोई बहन की बेटी थी वो मुझे फॉलो करती थी, ओके तो उन्होंने कहा था कि मेरे अथर्व से मिलवा दो, अथर्व भैया से, तो मेरे जो प्रोफेसर थे एनएट के वो कहते हैं कि ये खुद कॉलेज का भी नहीं आता, हमने तो देखा ही नहीं कभी, तो आपसे कहाँ मिलवाए। मतलब आई एम थोड़ा सा इंट्रोवर्ट पर्सन, मतलब हो सकता है यूट्यूब पे देखने से ना लगता हो बट इन रियल लाइफ आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, सो कुछ क्वेश्चंस है पूछ लेता हूं फटाफट से इंस्टाग्राम वाले। या फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू बिल्ड कंसिस्टेंसी इन स्टडीज विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एट होम। यू नो कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं हो पाती है, अकॉर्डिंग टू मी कंसिस्टेंट हम कभी भी नहीं रह सकते हैं, फिर तो हम भगवान ही हो जाएंगे अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस ग्राफ, मतलब एक दिन एनर्जी लाओ आपका ग्राफ पीक पे होगा, then your graph will go down 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 again, एक तो से अपने आप को motivate करो नहीं यार मुझे करना था, वापस graph इधर लाओ, फिर वो graph down जाएगा and उसका average वो बीच का निकल के आ जाएगा, तो कभी भी consistent आप नहीं रह पाओगे लेकिन आपको कोशिश करते रहना है, 7 बार गिरना है 8वीं पे उठना है, consistent तो मैं ही आज तक नहीं रह पाई हूँ, मतलब कल सोचा तो आज इतने घंटे करना है तो आज उतना घंटा नहीं हो पाया, उससे थोड़ा कम हो पाया, अगले दिन वापस खुद को समझाओ नहीं नहीं यार करना। और एक और चीज है कि एक और क्वेश्चन है, दिस 2021 ईयर इज माय थर्ड ड्रॉप, आई गॉट 370 मार्क्स, आई नो माय मिस्टेक्स कि मैंने टेस्ट नहीं दिए, तो अब क्या करना चाहिए इस साल, क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, 370 से कैसे 650 लेके जाए। यू नो आई बिलीव इन दिस कि सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है और बहुत ऑप्शंस हैं,
पता नहीं कुछ लोग मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब अगर आपका दिमाग में पैशन ही है कि नहीं बस मुझे यही करना है तो गो फॉर इट. बट अगर आपको कहीं पे भी ऐसे लगता है यार इस चीज में ना मैं या तुम कभी भी किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे, इट्स देयर कॉल ओनली. आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ. फॉर एग्जांपल मैंने जब एक साल का ड्रॉप लिया था तो पता नहीं कितने लोगों ने बोला था कि डोंट गो फॉर ड्रॉप, ड्रॉप से सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. बट दैट वाज कंप्लीटली माय कॉल, व्हाट आई वांटेड टू, जो मुझको करना था तो मैंने वो किया एंड उसमें मेरा ठीक हो भी गया. चांसेस ये भी थे कि हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता, तब भी मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लोग कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलते भी. तो ये कम्प्लीटली खुद के ऊपर डिपेंड करता है. हमको खुद से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, हमारी ये गलती थी, क्या इस साल मैं उन गलतियों को सुधार पाऊंगा. इट्स नॉट जस्ट ये गलती थी, ऑल्सो आस्क योरसेल्फ क्या मैं इनको सुधार पाऊंगा और सुधारने के बाद क्या मैं इतने नंबर बढ़ा पाऊंगा. बिकॉज इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड 291 मार्क्स, राइट. तो अब मेरे दिमाग में यह था कि जितने नंबर मेरे आए नहीं है उससे ज्यादा मुझे बढ़ाने हैं. तो मैं बैठी, मैंने लिखे सारे पॉइंट, क्या मैं अपने इतने नंबर बढ़ा पाऊंगी जितने मेरे आए तक नहीं है. तो आई वॉज लाइक ठीक है. तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया एंड देन ठीक है, मतलब मुझे ऐसे था कि हाँ मैं कर सकती हूँ. तो इट्स कम्प्लीटली अप टू हिम, अप टू हिज फैमिली कि वो बढ़ा पाएगा नहीं बढ़ा पाएगा. आई वॉन्ट कमेंट ऑन दिस. एक और चीज मैं देखिए कि जब मैं ड्रॉप ईयर में था थोड़ा सा बहुत टाइम होता है कि क्लूलेस हो जाता है कि क्या करना है, एकदम ही ब्लाइंड पा जाता है कि यार सब लोग तो कहीं दिखता है कि ये लोग ये मतलब मेरा कुछ मेरा खास फ्रेंड था वो एमजेली में पहुंच गया था सेम ईयर में जिससे मैंने ड्रॉप लिया था. और ऐसे कई फ्रेंड्स है मतलब बीजीएमसी में है, अच्छे कॉलेजेस में है, तो वो चीज जो है ना एक साल की काफी हर्ट करती है, बहुत ज्यादा हर्ट करती है जिस साल तुम ड्रॉप लेते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर कम्प्लीटली फाइन रहती है. But I don't think so. Drop लेने में ऐसे कोई problem है. Like you will complete your BSc or MSc or something. You will be 24 and you won't get any job. At that time you will be preparing for some different exams. You will be dropping time and again. लेकिन अभी drop करना it's like a और drop कर रखा है उसने तो. So it's not like एक साल drop करना, दो साल drop करना कोई बहुत बड़ी बात है. It's quite normal. But फिर भी मतलब अगर वो ड्रॉप करके भी सिलेक्शन नहीं होगा तो एक चीज आपके अंदर जिंदगी भर के लिए आपको पिंच करती रह जाएगी कि यार डॉक्टर बनना था यार. तो वो चीज कभी भी लाइफ में ना ऊपर नहीं उठ पाते हैं फिर उससे. तो इसीलिए करना तो सोच समझ के करना एंड घर पे डिस्कस करो, बैठो खुद से डिस्कस करो, अकेले में बैठो, इंस्टेंटेनियस डिसीजन मत लो और ध्यान से अपना. और फिर अगर डिसीजन ले लिया तो फिर पलट के मत देखना. मैं इसी चीज में विश्वास करती हूँ, या तो डिसीजन लेना मत और ले लिया तो फिर पलट के देखना मत. फिर ऐसे मत सोचना कि एक महीने बाद सोच रहे हैं क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, फिर जो ले लिया तो बस ले लिया, दैट्स इट, काम करते रहो. तो एक और अच्छा क्वेश्चन है कि आपके कॉलेज के बारे में एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज. मेरे कॉलेज के बारे में एक अच्छी चीज भी वही है, बुरी चीज भी वही है. थोड़ा सा रिमोट एरिया है, दिस इज अच्छी चीज बिकॉज उसकी वजह से मुझे इधर उधर बाहर एक्सप्लोर करने को कुछ ज्यादा है नहीं, तो आई डू फोकस मोर ऑन माय वर्क. एंड ये बुरी चीज भी है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू एक्सप्लोर देयर. तो यही है अच्छी चीज और यही है बुरी चीज अकॉर्डिंग. और मतलब कितना दूर है मेन सिटी अगर देखा जाए तो कॉलेज से? कोलकाता जाने में इट्स लाइक 3 आवर्स और समथिंग. तो आसपास में कोई मॉल नहीं है, कुछ नहीं है? मॉल ना छोटे मोटे मतलब नॉर्मल मॉल, इट्स लाइक अ थोड़ा सा गांव वाला एरिया काइंड ऑफ. और लास्ट 2.5 इयर्स में कितने साल घर रहे हो? एप्रोक्सीमेटली 1 साल. 1 साल पूरा घर में, बाकी 1.5 इयर्स हॉस्टल में. इनफैक्ट मुझे लग रहा है 1.5 इयर्स घर रही हूं, 1 ईयर हॉस्टल रही हूं. ठीक है. और एक और चीज है कि हाउ टू बी कॉन्स्टेंट स्टडी, ये तो हो चुका है, बुक्स हो चुके, क्या हार्ड है एमबीबीएस या नीट? Indeed, neat. Not in terms of pressure, not in terms of syllabus. Syllabus ke terms mein MBBS is tough, but that pressure, that thing ki aapko life mein kuch prove karna hai, aapka selection hoga ya nahi hoga, aapki life decide hogi ya nahi hogi, wo pressure jhel paana mere liye mushkil hota hai in comparison to padhai karna. Yahan pe hum fir bhi shant hote hain, yahan pe padhai of course zyada hai, matlab syllabus zyada hai, but it's like, theek hai, kar lenge, sab kar rahe hain, dost aapas mein milke, it's fun. सब साथ मिलकर कर लेंगे जैसे तैसे करके. बट नीट में आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज लाइक थोड़ा सा ज्यादा टफ थिंग टू हैंडल. मतलब एक बार मुझे पर्सनली क्वेश्चन है कि आप इतने YouTube पे काम करते हो, कई सारे कंट्रोवर्सीज हो जाती है, कई सारे रोस्टिंग वीडियोस आ जाते हैं, कई मतलब आप एक चीज बोल दो लोग 10 अलग-अलग मतलब ले लेते हैं, तो उससे कैसे डील करते हो कि यार कभी भी देख ले सुबह उठ के कि यार ये क्या कौन सा वीडियो बन गया, इससे पूरा दिन का मूड ऑफ नहीं होता यार. जब मेरे ऊपर थोड़ा बहुत हुआ था इन सब टॉपिक्स के ऊपर, उस टाइम पे
आई फील कि आई वॉज थोड़ा सा इमेच्योर स्टार्टिंग में, चीजों में एंटर किया था, मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो हो सकता है थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी की वजह से कुछ गलतियां मेरी वजह से मेरी भी थी. कुछ होता है कि आपके सक्सेस को देख के लोग नहीं वो कर पाते हैं, तो उधर से वो उनका खुद का पर्सनल वो भी होता है कि मेरा नाम लेके दे विल ऑल्सो ग्रो, तो वो वाला चीज भी होता है. उसमें मैंने एक ही चीज सीखी है, चुप रह जाओ बिल्कुल. कॉन्ट्रोवर्सी मतलब सामने से आपको किसी ने बोल दिया, चुप खींच जाओ, एकदम चुप खींच जाओ. हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो सकता है वो काफी दिन टफ हो, लेकिन चुप रह जाओगे तो शांति से निकल जाओगे उस स्टेज से, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इधर से इसने बोला, फिर मैं बोलू, फिर वो बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है, तो फिर तो हालत खराब. या एंड नेगेटिव कमेंट्स आते रहते थे, पहले ज्यादा आते थे, अब काफी चीजों के अंदर मैंने चेंजेस किए हैं. नेगेटिव कमेंट अभी भी थोड़े बहुत आ जाते हैं, बट इट्स लाइक आई एम फाइन विद एवरीथिंग. मतलब हर कोई मुझे लाइक नहीं कर सकता है, कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम एंड लाइक मी. मेरा कंटेंट सबको पसंद आएगा, किसी को हो सकता है पसंद आएगा, किसी को हो सकता है नहीं आएगा, बट आई ऑलवेज गो फॉर दिस कि उस नेगेटिव कमेंट में मैं क्या अपने अंदर उसको पढ़ के क्या अपने अंदर चेंज ला सकती हूँ. तो जैसे मतलब आई डू ट्राई क्या क्या मैं अपने अंदर कर सकती हूँ, तो धीरे 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 आई इम्प्रूव, कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड आई एम डूइंग आई गेस. आई रिसेंट वीडियो डाली थी, उसमें आई लाइक एडिटिंग एंड ऑल, आई फोकस ऑन दैट. Yeah, so I'll more such content will be coming on my channel. So, मतलब धीरे-धीरे I'm trying to improve. That's it. और आपका role model को ना क्या देखा जाए तो या एक it's like हाँ, but role model मतलब हर चीज में अलग होता है. कई बार आप कंसिस्टेंसी के बेसिस पे देखो तो आपका रोल मॉडल ये होगा. आप देखोगे कि मुझे लुक्स वाइज जैसा दिखना है तो आपका रोल मॉडल कोई और होता है, मुझे काम ऐसा करना है तो आपका रोल मॉडल कोई और होता है. तो एज सच मेरा कोई फिक्स नहीं है, बस किसी का भी मुझे काम पसंद आता है तो यार ये बहुत अच्छा एडिटिंग कर रहा है यार, इस जैसी मुझे भी करनी है यार, तो मतलब बस यही चीज है. उसके अलावा आई डोंट लाइक ब्लाइंडली फॉलो एनीवन. आप खुद कर लेते हो क्या एडिटिंग? आप खुद कर लेते हो? नहीं, नाउ आई डू हैव अ टीम. लेकिन एटलीस्ट डू ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ एंड दिस इज द ओनली स्टेज व्हेन यू कैन. मे बी हो सकता है कि एमबीबीएस करते करते आपको समझ में आए कि यार मुझे पीजी करना ही नहीं है, ये लाइन मेरे लिए है ही नहीं, मुझे ये करना था लाइफ में, और तब समझ में आया. पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए बस आप अच्छे से अर्न कर लो, अर्न कर लो और सेटिस्फाइड रहो, बस सेटिस्फाइड रहो, आप खुश रहो. तो समटाइम्स इट्स लाइक मे बी तुझे भी ये कमेंट आता होगा, मुझे भी ये कमेंट आता है कि जब सीट ही वेस्ट करना था, यूट्यूब वेस्ट करना था. अगर मुझे ये कमेंट बहुत बार आता है कि अगर पढ़ाना ही था तो एमबीबीएस लिया ही क्यों, या कुछ और ही करना था तो ये यूट्यूबर बनना था, ये चीज क्यों ली? लेकिन देखो मतलब जो मैंने देखा है कि कॉलेज के प्रोफेसर्स भी They are not working doctors, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, तो अपना अपना पैशन मिल जाता है. कई लोग यार MBBS के बाद UPSC क्रैक कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है हर एक का पैशन. वही है कि I believe in this कि मुझे वो मैं इस सीट की हकदार थी, मैं इस सीट को डिजर्व करती थी, वो सीट मुझको मिली. Now I do what I want to do in my life. मैं दूसरों की सुनने लग गई तो मेरी तो लाइफ गई ना. तो I always believe in you do you. I'll do mine. That's it. और एक और चीज, एक और क्वेश्चन है कि next 5 years में अपने आप को कहाँ देखते हो? मैं अपने आप को कहीं नहीं देखती. मतलब I don't believe in that कि पूरा 5 साल का planning बना के मैं बैठ गई, मेरा everything is set and everything is like fixed, ऐसा कुछ नहीं. Because I don't think so. ऐसा आज तक life में कभी हुआ है. मैंने जब NEET की preparation कर रही थी, कभी नहीं सोचा था कि I'll start YouTube and मैं इतना अच्छा, मुझे मतलब प्यार भी मिलेगा लोगों का, इतना मिला भी मुझे, तो मैंने इतना कभी सोचा नहीं था. एंड अभी मुझे ऐसे लगता है कि अभी लाइफ में पता नहीं मुझे क्या क्या करना है. I do focus on those 24 hours वाला thing. That's it. बाकी थोड़े बहुत plans हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि नहीं एक साल में ये, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में शादी, चौथे साल में ये, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है.
और एक और जिसकी एक्टिंग आप कर मतलब थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे वगैरह बनाते हो, तो एक्टिंग में जाने का कोई प्लान आगे? I do have थोड़ा सा इंटरेस्ट, बट एक्टिंग में मुझे जाना नहीं है, बिकॉज अभी आई एम इन एजुकेशन वाला फील्ड, एंड वो वाला फील्ड सेटिस्फेक्शन देता है. वो जो कमेंट्स आते हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि एक्टिंग वाले फील्ड में जाने के बाद मुझे कभी भी वो वाला सेटिस्फेक्शन आ पाएगा या कुछ आ पाएगा. आई वॉन्ट टू ट्राई दैट, बट मैं उसको मतलब प्रोफेशनली नहीं करना चाहती हूँ. मतलब आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, एवरीथिंग इन माई लाइफ, बट नॉट लाइक उसके अंदर जाना, बिकॉज आई एम लाइक सो मच सेटिस्फाइड बाय दिस टीचिंग वाला थिंग. व्हेन पीपल डू कमेंट ना, अरे दीदी आपका चैप्टर पढ़ के मेरे मार्क्स इतने आ गए यार. और आपको लगभग 2.5 इयर्स हो चुके पढ़ाते पढ़ाते? नहीं 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 नहीं, मैंने जून सॉरी फरवरी 2020 में चैनल स्टार्ट किया था. पढ़ाना ऑलमोस्ट प्रॉपर पढ़ाना पढ़ाना जुलाई 2020, लगभग 1.5 इयर्स हो चुके हैं. 1.5 इयर्स या समथिंग. तो क्या मतलब क्या चीजें अपने अंदर इंप्रूव की इसको देख के, और क्या चीजें? मेरी मैच्योरिटी बहुत आई है, मेरे बात करने के तरीके में. मतलब मेरे पुरानी वीडियोस मैंने थोड़ा सा हटा दिया है, इफ यू विल सी गो एंड सी, तो उस टाइम पे वो इमैच्योरिटी अच्छे से दिखती थी. मतलब ऑल द टाइम ऐसे बाल में हाथ मार रही हूँ, कोई मुझसे पूछ रहा है कि यू आर लुकिंग गुड, तो आई वॉज लाइक अरे यार थैंक यू. इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आप एक टीचर हो तो यू मस्ट बी लाइक अच्छा ठीक है जा का पढ़ाई पे फोकस कर. तो अभी वो वाला चेंजेस मेरे अंदर आ गए हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अच्छी दिख रही हो ना, जा जा बेटा पढ़ाई पे फोकस कर. तो इट्स लाइक मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं, व्हेन यू आर अ टीचर तो ये लोग जो भी तुझसे पढ़ रहे हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट तेरे ही एज के हैं. इनफैक्ट रियल लाइफ में कुछ लड़कों से मिलेगी तो लड़के विल बी लाइक 6 फुट के, एंड विल बी लाइक अरे यार पढ़ाई कर ले यार. तो तुझे खुद से ही 5 साल का एज गैप अपने आप ही सोचना पड़ेगा कि नहीं मैं इनसे 5 साल बड़ी हूँ, और वैसे बिहेव करना पड़ेगा, तब वो मैच्योरिटी झलकेगी. तो वो डिफरेंस मेरे अंदर आया है शायद, और इम्प्रूवमेंट के अभी बहुत बहुत चांसेस है. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, एंड आई विल इम्प्रूव जितना हो सकता है मुझसे. आई ट्राई माय लेवल बेस्ट. लास्ट क्वेश्चन जो आपसे ये है, फॉर नीट एस्पिरेंट्स जो 22 के अंदर 23 के अंदर एग्जाम देने वाले, इनके लिए क्वेश्चन है कि यार लास्ट 3 सुपर टिप्स, ऐसे टिप्स या ऐसे कोई चीज जो आपने अभी तक देखी है एस्पिरेंट्स के अंदर, जो लगता है कि आपको इंप्रूव होनी चाहिए, उनको उनको एस्पिरेंट्स मतलब एस्पिरेंट्स को काम करना चाहिए उन टिप्स के ऊपर, तो ऐसे कौन सी 3 टिप्स है इंपॉर्टेंट? सबसे पहली चीज जिसको मैं मानती हूँ, देयर मस्ट बी अ बैलेंस इन लाइक ओवर कॉन्फिडेंस वाला थिंग एंड लो कॉन्फिडेंस वाला थिंग. ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाओ कि अरे मेरा तो आज तक मेरे को लाइफ में कभी, वो 10वीं के जो 10 CGPA देख के नंबर देख के और 12वीं के बोर्ड्स के नंबर देख के अगर तुमको लग रहा है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन वहां अच्छे नंबर आए थे यहाँ भी अच्छा आ जाएंगे, तो यू आर रॉन्ग, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग. दूसरी चीज, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस में भी मत जाना. ये मत सोचना कि मेरे दोस्तों के इतने नंबर आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, मेरा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. हो जाएगा, मेहनत करते रहना. नेक्स्ट चीज, ऑलवेज बी लाइक कंसिस्टेंट. तो 100% मैं नहीं बोलूंगी, कंसिस्टेंट तो हम लोग नहीं रह पाते हैं, लेकिन डू ट्राई. जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ लेना, लेकिन ऐसा मत करना कल से. हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं कल से मैं अपनी लाइफ की मस्त शुरुआत करूंगा, कल से सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा. प्लीज टाइम टेबल मत बनाओ यार, मत बनाओ टाइम टेबल. नंबर 3 इज वो स्लीप वाला चीज. आधे लोग सोचते हैं कि कम घंटे सो के मैं बहुत अच्छा कर लूंगा, या फिर कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं कि जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो या तो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं या रात को बहुत लेट सोते हैं. हाँ, तो हम लोग का ना वो बन जाता है जस्ट कूल दिखने के लिए दूसरे लोगों के सामने कि मैं तो 4 बजे उठ के पढ़ाई करता हूँ. उठा तुमसे जा नहीं रहे, तुम्हें भी पता है पिछले कितने दिनों से तुम ट्राई कर रहे हो, तुमसे उठा नहीं जा रहे. सो प्लीज डोंट डू दिस. जो आपका नॉर्मल टाइम टेबल है उसी नॉर्मल टाइम टेबल को फॉलो करो, अच्छे से नींद ले लो यार, उसके बाद अपना मस्त काम कर लेना. तो एज सच अपने आपको फोर्स किसी भी चीज के लिए लाइफ में मत करो, अपना नॉर्मल करो. इट्स जस्ट नॉर्मल, थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते बस. होप करता हूं कि सारे स्टूडेंट अपने वीडियो देख रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ मोटिवेशन इनसाइट्स एमबीबीएस के बारे में, और कुछ रचना दी की पर्सनल अचीवमेंट से उनके कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा. तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं. ऑल द बेस्ट. कुछ भी आपको क्वेरी हो, अगर आपको दी का चैनल चेक करना हो भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. उसके बाद आपको कोई भी कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय. बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच अथर्व अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल. थैंक यू आने के लिए. चलो बाय बाय.